सबसे ज्यादा इस वक्त जो स्कोप होगा वो किस चीज का होगा? सबका स्कोप है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूँ, वो होगा IoT। आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी में सेंसर्स घुसने वाले हैं, हार्डवेयर घुसने वाले हैं, आपके घर की लाइट्स, फैंस, आपकी गाड़ी के अंदर कई सेंसर्स लगे हुए हैं, आप रिवर्स करने लगते हैं तो गाड़ी आवाज देती है। सर, सॉरी आपका इंटरप्ट किया। इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी कि किस तरह एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी चला रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन होने के साथ साथ आप हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं, बैलेंस लेकर चलते हैं। आपने ना हमारी एक एपिसोड में ब्लॉकचेन को बड़े इंटरेस्टिंग वे में और आसान तरीके में एक्सप्लेन किया था, तो मुझे उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जो आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सबसे पहले उसका जिक्र किया था, वो है IoT। IoT होता क्या है, इस ये तो बताएं मुझे थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। हमारी कंपनी का जो कल्चर के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैंने जब ये स्टार्ट की थी तो मेरी एक ये सोच थी कि हेल्थ और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना। जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी बात की कि आप टेक्नोलॉजी में इतना डूब ना चाहो कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल ना रख सको। इसलिए हमने ऑफिस के अंदर एक कल्चर, ये एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने जो IoT के बारे में बात की थी, पहले नंबर पर जब मैंने IoT के बारे में बोला था, वो इंटेंशनली था। अगर आप मुझे कहें कि सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो स्कोप होगा वो किस चीज़ का होगा, सबका स्कोप है लेकिन मैं सबसे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, वो होगा IoT। IoT का क्यों? पहले हम ये समझ लेते हैं अपने ऑडियंस के लिए कि यार IoT है क्या। IoT ये होता है, मैं इनपुट आउटपुट, आप उसकी टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाते, मैं उसी तरह की सिंपल डेफिनेशन आपको देता हूँ जो हमने ब्लॉकचेन की बात। IoTs अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, हार्डवेयर डिवाइसेस, सेंसर्स, अगर आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, आपकी गाड़ी के ई टैग को रीड करके वो जो उनका बैरियर सा होता है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है, वो जो हार्डवेयर मूवमेंट है वो जो सेंसर्स के थ्रू हो रही है, दिस इज़ वन डेफिनेशन ऑफ IoT। अब आप देखें स्मार्ट लॉक्स आ गए, अभी आप ऑफिस में एंटर हुए तो फेस स्कैनर ने स्कैन किया और लॉक ओपन हो गया। अब वो जो एक लॉक है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो जो फेस स्कैनर आपका फेस स्कैन कर रहा है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। सॉफ्टवेयर ने आपको देखा, इंस्ट्रक्शन भेजी हार्डवेयर को, जो कि एक लॉक है हमारा, वो अनलॉक हो गया क्योंकि हमारे जो कलीग्स थे आपके साथ वो रजिस्टर्ड है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये IoT क्या? आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी में सेंसर्स घुसने वाले हैं, हार्डवेयर घुसने वाले हैं, आपके घर की लाइट्स, फैंस, आपकी गाड़ी के अंदर कई सेंसर्स लगे हुए हैं, आप रिवर्स करने लगते हैं तो गाड़ी आवाज देती है, आपके पास रिडार्स लगे हुए हैं, मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। मैंने ये वॉच पहनी हुई है, मेरे पूरे हेल्थ वाइटल्स जो हैं वो मॉनिटर हो रहे हैं, दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ IoT। तो IoT का स्कोप मैं इसलिए ज्यादा कहता हूँ कि इतने ज्यादा हार्डवेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आपके घर से लेके आपकी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक IoTs ही होंगे। जितनी इन्वेंशन इस वक्त सॉफ्टवेयर के कंट्रीब्यूशन से IoT में हो रही है, कहीं नहीं हो रही। जब मैं जाइटेक्स में गया था, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जाइटेक्स के अंदर सरप्राइजिंगली पिछले साल और इस साल के अंदर जो मैंने फर्क देखा, क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ, सबसे मेजर फर्क ये था कि दुनिया AI को, ब्लॉकचेन को यूज कर रही है इन कॉम्बिनेशन विद IoTs। कैसे? हमने देखा, मैंने आपको बताऊं, अगर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके ऊपर मैंने एक फ्लाइंग ड्रोन बताया था, फ्लाइंग टैक्सी पे हमने बात की थी, फ्लाइंग कार पे बात की थी, फ्लाइंग बाइक पे बात की थी, हमने ऐसे हार्डवेयर देखे, स्मार्ट लॉक्स थे, स्मार्ट रोबोट्स थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जो गैजेट्स थे वो चेंज हो रहे हैं, वाटर क्लीन करने के जो गैजेट्स हैं उनको सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। मैंने कोई भी इन्वेंशन देखी ना, उस इन्वेंशन के अंदर IoT ज़रूर थी और उसको डिवेलप किया गया था इन कॉम्बिनेशन विद AI एंड ब्लॉकचेन। सो दैट्स व्हाई आई से, जब मैंने वो दुनिया की इतनी बड़ी टेक एग्जीबिशन में मैंने देखा, उससे पहले मैं सिर्फ पढ़ रहा था, किताबों में था, स्टोरीज में था, बट नाउ आई रियलाइज, यू हैव टू रियलाइज IoT इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट बिग थिंग्स इन योर लाइफ। इसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। दैट्स अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ IoT और जो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, आई होप के ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा। बिल्कुल, ये बहुत इंफॉर्मेटिव था मेरे लिए भी जानना, और सिंपल फाज में स्पेशली मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही, इतनी अहमियत आपने IoT की बता दी, तो IoT का पाकिस्तान में फ्यूचर आप क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान कल को फ्यूचर में कहाँ खड़ा है IoT की फील्ड में?
देखें, अभी तक हमारे पास अगर IoT का जो सेकंड पार्ट है विच इज़ यू नो या सॉफ्टवेयर, उसमें तो पाकिस्तान अच्छा खासा आगे जा चुका है। और लेकिन जहां हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की बात है, हम आज भी चाइना पे रिलाई कर रहे हैं। बेसिकली तो पूरी दुनिया में प्राइमरीली चाइना पे रिलाई कर रही है, लेकिन बहुत जल्द मैं देखता हूं कि ट्रेंड आ रहा है कि हम अपने हार्डवेयर बनाना शुरू हो गए हैं, सेंसर्स बनाना शुरू हो गए हैं, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। अगर हम डिवाइसेस बनाने की बात करूँ तो हम थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर हम टैलेंट की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो बहुत है। और जिस दिन ये पोटेंशियल डिलीवर करने पे आ गया, तो ये वक्त दूर नहीं होगा कि हम दुनिया के सबसे अव्वल के ममालिक में खड़े होंगे IoT प्रोड्यूस करने में। बट जॉब की बात करें, करियर की बात करें, मैं इसको पहले नंबर पर रेट करता हूँ। बहुत बड़ा स्कोप है इसका, नो डाउट।